हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा ग्लेयर तो नहीं आ रहा ग्लासेस का, क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा है। एक मैं चेक करती हूँ। ऑल्सो मुझे ये कुछ रेड रेड सा हुआ है यहाँ पे। मुझे कोई बता सकेगा कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं? लाइक आई के अंडर व्हाट इज दिस? इज दिस एलर्जी या फिर कुछ हो गया है या परमानेंट रहेगा? पहले मैं चेक कर लूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सो यस, आई एम बैक। कोई ग्लेयर नहीं है, फैन मैंने ऑफ कर दी है, तो साउंड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। सो वेयर वाज आई फॉर द पास्ट 2 मंथ्स, और यू कैन से 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स अभी हो जाएंगे 10 दिन बाद। द लास्ट टाइम आई पोस्टेड अ वीडियो, दैट वाज ऑन मार्च आई गेस, द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एंड दैट डिडंट गो वेल। बट दैट्स नॉट द रीजन I stopped making videos. Actually, I didn't stop making videos. I was on a break, और मैं वापस आ गई हूँ। So what happened was कि इतना लंबा break लग गया। So basically, there are certain things. Like there are total 4 things I would say that affected this YouTube stuff. So the first thing was लोगों के judgment continuously. So I was feeling pressure. Of making certain kind of videos, so basically roasting. I started making roasting videos initially, क्योंकि views भी अच्छे आ रहे थे, and I was new on YouTube, और मुझे अब 1 साल हो गया obviously YouTube पे, and later on I realized कि that's not my thing. I can't judge people and I can't pass comments on them. What if कि मेरे ऊपर भी कोई same चीज करता है, जो कि हुआ। जो ब्राउन मंडे वाली वीडियो थी वो काफी अच्छी गई, लाइक इट गेन्ड आई थिंक 5000 व्यूज समथिंग, और काफी कमेंट्स भी आए, पर उस बहुत सारे कमेंट्स मोस्टली गंदे थे। तो कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि हर एक एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है, मैं सबके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतर सकती। सो मेरे क्लासमेट्स मुझे बोलते थे, या कभी कोई और बोलता था कि व्हाई डोंट यू ट्राई कमेंट्री वीडियोस, व्हाई डोंट यू ट्राई सिंगिंग वीडियोस, बिकॉज दे आर नॉट इन टू व्लॉग्स। मुझे लगा कि किसी को व्लॉग्स पसंद ही नहीं आ रहे हैं। ऑल्सो मेरे कॉलेज वाली वीडियोज के व्लॉग्स पे व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मेरी एंगेजमेंट थोड़ी सी गिर रही थी, जो कि अब पूरी तरह गिर चुकी है, क्योंकि मैंने 2 महीने का ब्रेक ले लिया। आई वॉज दिस क्लोज कि मैं मोनेटाइज होने वाली थी, और फिर मैंने ब्रेक ले लिया। नाइस प्रिया। तो देन आई स्टॉप कि यार ये तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, ये तरह की क्या मैं अच्छी वीडियोस नहीं बना रही, क्या लोगों को पसंद नहीं आ रही। तो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि आई पोस्ट वीडियोस इवन इफ आई एम द सिंगल व्यूअर। अगर मैं खुद ही अपनी स्टोरी देख रही हूँ, इवन आई एम द सिंगल ऑडियंस, मैं करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सबके एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतर सकती। एंड सेकेंडली वॉज माई हेक्टिक स्केड्यूल। मेरी मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, एंड देन आई हैड माई लैब टिल 5, तो बहुत ही ज्यादा ये जो है चीज हैक्टिक हो रही थी, और मुझे ना सच में यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और दैट टाइम मुझे यूट्यूब हमेशा से अच्छा लगता है, दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक कि यूट्यूब मेरी स्टडीज जो कि मुझे गलत चीज थी, क्योंकि 2 महीने में मैंने ऐसे कोई तीर नहीं मार लिया कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दिस इज मिथ कि आपकी हॉबीज आपका टाइम वेस्ट करती है, तो नहीं है ऐसा। तो और उसके बाद मेरी साइमल्टेनियसली माइनर्स भी आ गए थे, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर है कि ऑफलाइन है, तो मैं लटकना नहीं चाहती बीच में, तो मैं माइनर्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, और साइमल्टेनियसली लैब के साथ मेरा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था, जिसकी मुझे रिपोर्ट कम्प्लीट करनी है जून तक, तो मुझे सच में टाइम नहीं मिल रहा था। एंड ऑल्सो वी आर इन अ शेयरिंग रूम, 4 का शेयरिंग रूम है, तो इट्स क्वाइट प्रॉब्लमैटिक समटाइम्स टू फिल्म वीडियोस, बिकॉज कुछ आप बोलने वाले हो तो इधर उधर से कोई कमेंट पास कर देता है, एंड फील्स लाइक यू आर कॉन्टिन्यूसली मतलब बींग वॉच्ड, नॉट जस्ट एक्चुअली, क्योंकि वो लोग मुझे इतना बोलते हैं कि तू लोग वीडियो भी नहीं बनाती, तो वीडियो भी नहीं बनाती, ना टाइम हो गया है। तो यस, मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने इतना ज्यादा फोर्स किया मुझे कि तू वीडियोस भी नहीं बनाती, क्या हो गया। तो सेकेंडली वॉज दिस रीजन, एंड थर्डली वॉज माई हेल्थ। माई हेल्थ वॉज इन सपोर्टिंग मी एट ऑल, बिकॉज मे के अराउंड हार्वेस्टिंग सीजन होता है इन हरियाणा, और वो पीक पे होता है, बहुत ज्यादा होता है, और मेरी जो पोलन एलर्जी है वो भी पीक पे होती है, एंड द सिम्टम्स इंक्लूड ब्रेथलेसनेस, और मैं बात नहीं कर पाती, और इचिंग ऑन द स्किन, रेडनेस हो जाती है,
और बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो दैट टाइम जब वो आया था तब मैं घर चली गई थी क्योंकि वी डोंट हैव एयर कंडीशनर्स इन द हॉस्टल्स, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड द फोर्थ वन इज कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, रीजन इज कि मुझे लगता था कि मेरी वीडियोस कौन देखता होगा, क्या देखता होगा। पर जैसे ही मैंने स्टॉप की ना वीडियोस बनानी, बहुत लोगों ने ट्राई किया मुझे रीच करने का, लाइक इतने सारे मैसेजेस आए कि वाई आर नॉट मेकिंग वीडियोस, यू शुडंट गिव अप, और वो सब जो बो की बहुत अच्छा लगा मुझे, लिटरली सच में बहुत अच्छा लगा। आई एम स्वेटिंग क्योंकि फैन मंथ है और इस उम्र में इसी नहीं है, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी। व्हेन आई यूज टू विजिट कॉम्प्लेक्स, मेरे वहाँ कॉम्प्लेक्स है जिसमें से मैं सामान खरीदती हूँ, तो मैं वहाँ दो तीन बार गई हूँ, दो तीन बार लोगों ने कहा आप वही जो वीडियो बनाते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आई रियली लाइक योर वीडियो। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि प्रिया यार तू गलत सोच रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, लोग ब्लॉग्स भी देखते हैं। और इसके बाद मैंने सोचा है कि एक तो मुझे इतना टाइम लग रहा है ना, आई फील लाइक आई एम न्यू टू दिस कैमरा वाला थिंग, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने कैमरा के आगे बोल रही हूँ हम लोगों टू। सो बहुत सारी चीजें हुई। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मेजर थिंग विच हैपेंड इज कि माई करियर बेसिकली इन मे आई हैव दिस एग्जाम जो कि डिसाइड करेगा व्हाट आई एम गोना परस्यू आफ्टर माई मास्टर्स। तो मई में वो एग्जाम था एंड अच्छा हुआ वो काफी, तो काफी ठीक स्कोर आया। और अक्टूबर में फिर से, और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि पहले ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए काम होने से पहले, तो आई एम नॉट गोना रिवील ऑल द थिंग्स, पर जब जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी तब आई एम डेफिनेटली गोना रिवील एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली वीडियो बना रही हूँ उस चीज पे कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सर्टेन थिंग्स एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड इन फ्यूचर, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी तो वो नहीं होगा, तो यस मैं वापस आ गई यूट्यूब पे, और आई नो मेरी एंगेजमेंट गिर गई है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आएंगे कितने नहीं, बट यस आई विल मेक वीडियोस और आई विल ट्राई, आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस यू गाइस, पर मैं महीने में नहीं सॉरी हफ्ते में दो बार वीडियोस अपलोड करूंगी। मैंने सोचा है चाहे वो 3 मिनट की हो चाहे वो 2 मिनट की हो, आई डोंट लाइक अपलोडिंग शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे वो करती हूँ अपलोड। अगर आपको शॉर्ट्स देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे कॉन्टिन्यूसली रील्स डालती हूँ। इवन इन फैक्ट इन दिस 2 मंथ्स आई हैव अपलोडेड रील्स ऑन इंस्टाग्राम, सो आई एम बेसिकली वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। और यूट्यूब पे मेरा शॉर्ट्स डालने का मन नहीं करता बिकॉज इट्स अ प्रॉपर प्लेस फॉर वीडियोज नो, ये मेरी मेंटालिटी है। तो चाहे वो 3 मिनट की हो 4 मिनट की हो, आई एम गोना अपलोड दोस वीडियोस, चाहे आप देखो है ना। ऑल्सो गुड न्यूज फॉर यू गाइस, आई एम गोइंग टू माई कॉलेज फ्रॉम वेयर आई डिड माई ग्रेजुएशन, किरोड़ी मल कॉलेज मेरा प्यार। सो आई एम गोइंग देयर टू कलेक्ट माई ट्रांसक्रिप्ट एंड माई मार्कशीट, और मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलूंगी। सो यस आई विल फिल्म दैट व्लॉग, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद, मैं कितने साल बाद जा रही हूँ, 8 महीने 1 साल बाद आएगी इसमें अपने कॉलेज जाऊंगी। तो वो बहुत अच्छा प्लेस था मेरे लिए क्योंकि वहाँ 3 साल मेरी ऑफलाइन क्लासेस लगी थी और बहुत सारी मेमोरीज है। तो ये सारी फिल्म का एंटायर व्लॉग और वो पूरा डे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और जो चले गए मैं नहीं हूँ, मैं यही हूँ। मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखो और ब्रेक लेना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं ग्लो और ग्रोथ दोनों किया मैंने 2 मंथ्स में। और टेक केयर एंड सी यू सून, और प्लीज मुझे बताना कि ये कैसे ठीक होगा, इस साइड था क्या, इस साइड था ये रेड रेड सा, प्लीज बाय बाय।